Ну, чего я тебе Саджанта! Зиндабад! Саджанта! Зиндабад! Штиварка Херакуале! Саджанта! Умарса! Зиндабад! Харакса! Зиндабад! Саджанта! Зиндабад! Аллешдал! Карба! Зиндабад! Аллешдал! Карба! Зиндабад! Зинабе Бабулалса! Зиндабад! Зинабе Саджанта! Зиндабад! Сачен Гахироко! Бабулал! आप सरपंच ये डीडीसी इलेक्शन जीती है, आपके हस्बैंड सरपंच है, जहाँ से आप इलेक्शन जीती वो बीजेपी का गढ़ है, तो क्या बताएंगे आप अपनी जीत पे? सर, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का जो यहाँ आए हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और बीजेपी का गढ़ है, बट लोगों को भी समझ आ गया है कि जो पॉलिटिक्स है और धर्म के नाम पर अब नहीं होगी। वहाँ का यूथ है जो वो एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है, बुज़ुर्गों को पता है कि हमें अब किस और जाना है। और दक्षिण का जो एरिया है वो बहुत फार फ्लंग एरिया है सर, वहाँ पे बहुत कमियाँ हैं अभी जो अभी पूरी करनी है। तो मैं इसलिए मैदान में उतरी और मैं सज्जाद साहब जी का और तनवीर साहब जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे वहाँ से टिकट दे के इलेक्शन में उतरने के लिए नॉमिनेट किया। और बताना चाहूँगी कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर वोटर होता है। तो वोटर्स की वजह से मुझे जीत मिली और काफ़ी बड़े मार्जिन से मैं जीती हूँ। तो अब मैं यही उन लोगों ने जिन्होंने मेरे को वोट किया है उनके काम आऊँ, बस मेरा यही है। और मेरे को दक्षिण को सिर्फ डेवलपमेंट की ओर ले जाना है और जो भी कमी पेशी वहाँ है उनको पूरा करना है बस। प्रायोरिटीज क्या रहेगी? प्रायोरिटीज कम्युनिकेशन गैप बहुत है दक्षिण में, एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है वहाँ पे। जेपी कंपनी है वहाँ पे, बट हमारे यूथ इंजीनियर्स हैं, आईटीआईज हैं, बट कोई वहाँ पे उनका जॉब का कोई भी सोर्स नहीं है। रोड्स का खस्ता हाल है वहाँ पे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मैं एक एक के ऊपर काम करूँगी और मेरे साथ और भी लोग जो हैं, मेरे जो सरपंचेस हैं, पंचेस हैं, उनके साथ मिलके और पूरे दक्षिण के साथ मिलके मुझे काम करना है, क्योंकि वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज भी बहुत बुरी हैं। आप अगर आप पर्सनली वहाँ आएंगे तो आप देखेंगे कि हमारा जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है जो बहुत पिछड़ी हुई है। आप एक औरत है, क्या आपको कोई तकलीफ हुई इस इलेक्शन में या कोई डिफरेंस लगा, कई दुश्वारियां औरत होने के नाते? हम लोग अब मॉडर्न एज में हैं, वी आर नॉट इन यू नो पुरानी की औरत बाहर नहीं निकलेगी और ये ऐसा कुछ भी नहीं है। आई एम एजुकेटेड, मैं मास्टर्स हूँ और मुझे लगता है कि ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है लेडी को उतरने का, और वो भी दिखा सकती है कि वो भी काम कर सकती है। तो लोगों को क्या मैसेज देंगी आप? लोगों को मैं यही मैसेज दूंगी, हाथ जोड़ के दक्षिण कॉन्स्टिट्यूशन के हर उस इंसान को जिसने मुझे वोट किया, और मैं उनको निराश नहीं करूंगी। मैं अब सारे काम पूरे ईमानदारी के साथ करूंगी बस, और दक्षिण को एक तरक्की की तरफ ले जाना चाहूंगी बस, और कुछ नहीं।